वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 10 एपी। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। फिर से पढ़ते हैं। एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी होती है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब हमारे पास कोई एक सिक्वेंस होती है नंबर्स की। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंड बाय, उसके अंदर जो प्रत्येक जो टर्म होती है, ईच टर्म होती है वो ऑब्टेंड होती है, वो आती है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती जाती है। टू द प्रीसीडिंग टर्म, लास्ट टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास एपी की आ जाएगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, सिर्फ फर्स्ट वन को छोड़ दें। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन, देन नेक्स्ट टर्म इज फाइंड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू दिस टर्म और सबट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर टू दिस टर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिस ऑल आर नंबर्स, इवन नंबर्स, एंड इवन नंबर्स आर इन एपी। 2, 4, 6, 8, 10, बिकॉज हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, एंड डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड नंबर या जिसको हम बुलाते हैं, ये जो फिक्स नंबर इसको हम बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ओके, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, फिक्स्ड नंबर और फिक्स्ड नंबर, तो इसी को हम बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। जैसे कि फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में हम फर्स्ट टर्म में हम ऐड करते हैं फिक्स्ड नंबर, तो हम जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्या देगा डिफरेंस, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज आवर कॉमन डिफरेंस। ओके, समझ आए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एपी है वो रीअरेंज है, उसके टर्म्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म इज आवर ए, सेकंड टर्म ए वन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, अब उसमें हमारे पास जाएगा एन तक, एन इज आवर नेचुरल टर्म। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन हमारे पास क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाते हैं, इनफिनिटी। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, अप टू सोन ए एन। अब इन टर्म्स को हम फाइंड कैसे करते हैं, ए वन हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, ए टू, ए टू इज इक्वल टू होगा ए वन प्लस डी, ए थ्री इज इक्वल टू होगा ए टू प्लस डी, ए थ्री, ए फोर इज इक्वल टू क्या होगा, ए थ्री प्लस डी, अब टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन प्लस डी। और हम इसको दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट करते हैं, इसको तो हम लिखेंगे ए वन प्लस डी, इसको हम लिख सकते हैं ए वन प्लस टू डी और ए वन प्लस थ्री डी, जितनी टर्म है हम कॉमन डिफरेंस को उतने से ही मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। सेकेंड लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए वन प्लस एन डी, क्या हो जाएगी, ए एन प्लस एन माइनस वन डी, क्या हो जाएगी, एन माइनस वन डी, इससे जो प्रीवियस टर्म होती है उससे डी को मल्टीप्लाई करके हम लिखते जाएंगे। नाउ दिस टाइप्स ऑफ एपी, हमारे पास टू टाइप्स होती है, फाइनाइट एपी इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, देन एपी इज फाइनाइट एपी इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, देन आवर एपी इज इनफाइनाइट एपी। नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन ही होना हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इनवॉल्वड मेक एन एपी
एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, फाइंड आउट करना है कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, वो एक एपी बना रही है या नहीं, अगर बना रही है तो किस टाइप की एपी बना रही है। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। गिवन हमारे पास द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 15 एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, ए ये क्या गिवन हमारे पास 15 रुपीज। अभी कहता है कि जब इस कार जो चलती है वो 15 रुपीज है, वेन किलोमीटर फेयर इज रुपीज 15, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसका 15 रुपीज चार्ज है। नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर जितना वो आगे जाती जाएगी नेक्स्ट टर्म में, वो कहता है हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर फिक्स्ड चार्ज है रुपीज 8 का, तो ऐड होता जाएगा। इसका मतलब हमारे पास डी क्या गिवन है हमारे पास रुपीज 8। तो हम एपी कंस्ट्रक्ट कर लें, एपी क्या हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म ए 1 ए 2 ए 3 टू से कहाँ तक ए एन तक, ए 1 इज इक्वल टू तो क्या गिवन हमारा 15, ए 2 क्या हो जाएगा 15 ए 1 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, ए 3 क्या हो जाएगा हमारा ए 2 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31, ए 4 इज इक्वल टू ए 3 प्लस डी 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। अब कुछ नहीं हमारे पास क्या होगी एक एपी, तो हमारी जो गिवन एपी वो क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म इज आवर 15, सेकंड टर्म 23, थर्ड टर्म 31, फोर्थ 39 एंड अब कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या देगा, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज था वो हमारे पास 15 था, अब एडिशनल किलोमीटर के चार्ज वो हमारा इंक्रीज हो रहा है पर किलोमीटर 8, हमने ए पी कंस्ट्रक्ट की लाइट किया ए 1 ए 2 ए 3 अप टू सो ए एन, दिस इज जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी 15, ए 1 इज इक्वल टू 15, ए 2 हमारे पास होता है ए 1 प्लस डी कॉमन डिफरेंस डी 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, ए 3 ए 3 क्या हो जाएगा हमारे पास ए 2 प्लस डी देन आवर रिक्वायर्ड ए 3 इज इक्वल टू 15 पर 23 31 एंड 39 अप टू सो। सेकंड पार्ट हमारे पास कोई सिलेंडर गिवन है उसमें एयर 1/4 पार्ट ऑफ एयर रिमूव कर रहा है, कितना पार्ट रिमूव कर रहा है 1/4। फर्स्ट हमारे पास सिलेंडर है उसकी एक्यूरेट रेशियो गिवन नहीं है हमारे पास, बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी गिवन नहीं है, लेकिन हम ऐड करेंगे लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या ऐड कर लेंगे वी, ये कहता है 1/4 पार्ट सबट्रैक्ट हो रहा है इंच एपी से, तो फर्स्ट टर्म ए 1 इज इक्वल टू वी ऐड कर ली, ए 2 क्या होना चाहिए हमारे पास वी माइनस 1/4 पार्ट इज इक्वल टू 3/4 वी। सेकंड हमारे पास 3/4 वी में से फिर सबट्रैक्ट होना था, लेकिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3/4 स्क्वायर वी, दिस इज आवर नोट एन ट्रम एज एपी, दिस इज आवर नोट एन एपी, नोट एन एपी। नेक्स्ट वन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 एज। ये कहता है हमारे पास एक वेल एक कुआ है उसको खोदने के लिए चार्जेस बताए गए डिगिंग ऑफ वेल इफ कॉस्ट इज रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है ए 1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 50। अभी कहता है नेक्स्ट मीटर के लिए चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है रुपीज 50, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50, लेट एपी एपी लेट कर लेंगे हम क्या ए 1 ए 2 ए 3 अब तो सुन कहाँ तक ए एन तक फाइंड आउट करें टर्म्स ऑफ एपी, ए 1 इज इक्वल टू आवर 150, ए 2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200, ए 3 इज इक्वल टू ए 2 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 200
250 A4 that is equal to A3 plus D that is our 250 plus 50 is equal to 300 up to so required AP क्या देंगे हमारे पास AP is equal to 150 200 250 300 up to so these are in AP. नेक्स्ट पार्ट यू विल ट्राई ऑन योर बेसिस. हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो. ठीक है ना, एपी कंस्ट्रक्ट करो, एपी फाइंड आउट करो या बनाओ व्हेन ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू A is equal to 10 and D is equal to also 10. हमने let कर लिया, let AP is equal to A1, A2, A3, A4 up to some. A1 is equal to 10, A2 is equal to क्या देगा? A1 plus D that is equal to 10 plus 10 is equal to 20. A3 is equal to A2 plus D. 20 plus 10 that is equal to 30. A4 that is equal to A3 plus D. 30 plus 10 that is equal to 40. Our AP क्या हो जाएगा हमारे पास? 10, 20, 30, 40. This is our requirement. First part था ये, second question का first part. Second part करते हैं हम. सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू 0. डी इज इक्वल टू 0 इफ आवर कॉमन डिफरेंस इज 0 देन ऑल टर्म्स आर ऑफ एपी आर इक्वल. ए1 इज इक्वल टू ए2 इज इक्वल टू ए3 इज इक्वल टू ए4 इज इक्वल टू अप टू सम इज इक्वल टू ए. बिकॉज़ इफ कॉमन डिफरेंस इज 0 देन ऑल टर्म्स ऑफ एपी आर equal then all terms are equal to -2. Third part of question second is A is equal to 4 and D is equal to -3. A is equal to 4 and D is equal to -3. That AP is equal to A1, A2, A3, A4 up to some AN that is equal to A1 is equal to 4, A2 is equal to A1 plus D that is equal to 4 plus minus 3 that is equal to 4 minus 3 is equal to 1, A3 is equal to A1 plus 2D is equal to 4 plus minus 3 multiplied by 2 that is equal to 4 minus 6 is equal to minus 2. A4 is equal to A1 plus 3D that is equal to 4 plus minus 3 multiplied by 3 is equal to 4 minus 9 is equal to minus 5 up to so on. AP is equal to क्या होता है first term क्या होती है हमारे पास 4 common difference minus 3 second term क्या है 1 is minus 2 minus 5 up to so on. Third part था, fourth part हमारे पास given है if A is equal to -1 and D is equal to 1/2 that AP is equal to A1 A2 A3 up to so on AN. A1 is equal to -1, A2 is equal to A1 plus B that is equal to -1 plus 1 by 2, 2 as a LCM -2 plus 1 that is equal to -1 by 2, A3 is equal to minus A2 plus B, A2 plus B ka -1 by 2 plus 1/2 that is equal to 0 up to so on. AP हमारे पास क्या आ जाएगी? AP is equal to first term क्या थी? हमारे पास -1
and second term minus 2, third one is 0 and up to solve. Last part, हमारे पास given है a is equal to 1.25 and b is equal to minus 0.25. AP, let कर लेंगे AP is equal to a1, a2, a3, up to some an. A1 is equal to क्या देगा हमारा 1.25. A2 find out करने के लिए a1 plus b क्या हो जाएगा 1.25 plus minus 0.25, that is equal to 1.25 minus 0.25 is equal to 1. A3 is equal to A2 plus D, that is equal to 1 plus 0.25, that is equal to 1 minus 0.25 is equal to 0.75. A4 is equal to A3 plus B, that is equal to 0.75 plus minus 0.25 is equal to 0.75 minus 0.25 is equal to 0.50. So our AP is equal to first term 1.25, second term 1, third term 0.75 and so on. This is our requirement. थर्ड क्वेश्चन कहता है फोर दी वैल्यू फॉलोइंग एपी राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस. फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी. आवर फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एपी गिवन है 3, 1, -1 minus 3 up to, so here first term a1 is equal to 3 and b is equal to a2 is equal to 1, a3 is equal to minus 1, a4 is equal to minus 3 and up to so to d is a2 minus a1, that is equal to a2, 1 minus 3 is equal to minus 2, second a3 minus a2, a3 क्या माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू क्या गिवन होगा माइनस वन. माइनस टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 माइनस a3 माइनस a2. a3 क्या गिवन थी हमारे पास माइनस वन, तो a2 क्या है वन, माइनस वन माइनस वन टू. a4 माइनस a3, a4 हमारे पास गिवन है माइनस थ्री, तो a3 हमारे पास गिवन है माइनस वन, माइनस और माइनस 1, that is equal to minus 3 plus 1 is equal to 2. So a1 is equal to 3 and the common difference d is equal to minus 2. Second question, second part, given our pass minus 5, minus 1, 3, 7 up to so a1 is equal to minus 5, a2 is equal to minus 1, a3 is equal to 3, a4 is equal to 7. a1 is equal to first term हमारी क्या आ गई minus 5. b is equal to d क्या होगा a2 minus a1, that is equal to minus 1 minus 4 minus 5, that is equal to minus 1 plus 5 is equal to 4. a3 minus a2, a3 क्या गया है हमारे पास 3, minus a2 क्या गया है माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर. ए फोर माइनस ए थ्री, दैट इज इक्वल टू ए फोर हमारे पास गिवन है सेवन एंड ए थ्री गिवन है थ्री, सेवन माइनस थ्री, दैट इज आवर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू फोर. थर्ड पार्ट क्वेश्चन गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 अप टू सम. ए वन इज इक्वल टू 1/3, ए टू इज इक्वल टू 5/3, ए थ्री इज इक्वल टू 9/3 एंड ए फोर इज इक्वल टू 13/3 अप टू सम. ए वन फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1/3, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू
माइनस ए वन दैट इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, थ्री इज आवर एलसीएम, फाइव माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, ए थ्री माइनस ए टू दैट इज इक्वल टू ए थ्री नाइन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, थ्री इज आवर एलसीएम, नाइन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री, थर्टीन बाई थ्री माइनस फाइव बाई सॉरी नाइन बाई थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री इज आवर एलसीएम, थर्टीन माइनस नाइन फोर बाई थ्री, दिस इज आवर डी। फोर पार्ट जीरो पॉइंट सिक्स, वन पॉइंट सेवन, टू पॉइंट एट, थ्री पॉइंट नाइन अप टू सॉ। ए वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स, ए टू इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन, ए थ्री इज इक्वल टू टू पॉइंट एट एंड ए फोर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन। हियर ए वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स, तो दिस इज आवर फर्स्ट रन जीरो पॉइंट सिक्स। डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन दैट इज इक्वल टू ए टू वन पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट वन, ए थ्री माइनस ए टू दैट इज इक्वल टू ए थ्री हमारे पास क्या है टू पॉइंट एट, ए थ्री हमारे पास क्या है टू पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट सेवन दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट वन, एंड ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन माइनस टू पॉइंट एट दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट वन, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस डी। फोर्थ क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पिच इफ दी कॉम एंड एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट थ्री मोर टर्म्स। ये कहता है कि गिवन कुछ एग्जांपल्स गिवन कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये कहता है विच आर ए पी, विच आर ए पी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस सेम एंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वन इज इक्वल टू टू फोर एट सिक्सटीन अब टू सम ए आर ए इज इक्वल टू या ए वन इज इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू एट माइनस फोर दैट इज इक्वल टू फोर एंड थर्ड वन इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एट दैट इज इक्वल टू एट, दिस डी इज इक्वल टू ये क्या था हमारा ए थ्री माइनस ए टू, ये ए फोर माइनस ए थ्री, ये डी का फॉर्मूला, ये भी डी का और ये भी डी का, दिस इज आवर ए टू माइनस ए वन। तो हमारे पास डी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, फर्स्ट वन टू सेकेंड वन फोर एंड थर्ड वन इज एट, दिस इज नोट एंड ए पी, नोट एंड ए पी बिकॉज आवर कॉमन डिफरेंस इज ए नोट ए फिक्स नंबर, दिस इज फर्स्ट वन इज टू सेकेंड वन इज फोर एंड थर्ड वन इज एट। सेकेंड पार्ट टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू अब कुछ ए आर ए वन इज इक्वल टू टू, ए टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू, ए थ्री इज इक्वल टू थ्री, ए फोर इज इक्वल टू सेवन बाई टू, ए वन टू हो गया, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन दैट इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, फाइव बाई टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, अगेन ए थ्री माइनस ए टू थ्री माइनस फाइव बाई टू दैट इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, अगेन ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज इक्वल टू सेवन बाई टू माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, आर कॉमन डिफरेंस इज सेम एज वन बाई टू, दिस इज एन ए पी, दिस इज एन ए पी। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फोर टर्म गिवन थी, नेक्स्ट टर्म्स फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, ए फाइव क्या होती है ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी, ए फोर हमारे पास क्या गिवन है सेवन बाई
टू, इसमें ऐड करेंगे डी, हमारे पास क्या है 1/2, दैट इज इक्वल टू 7 + 1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ए 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ए 6 फाइंड आउट करेंगे, ए 6 इज इक्वल टू 8 + 1/2 या डी, दैट इज इक्वल टू 4 + 1/2, दैट इज इक्वल टू 8 + 1/2 इज इक्वल टू 9/2। एंड ए 7 इज इक्वल टू ए 6 + डी इज इक्वल टू 9/2 + 1/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 3 कम्स आर ए 5 इज इक्वल टू 4, ए 6 इज इक्वल टू 9/2 एंड ए 7 इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पार्ट इज इक्वल टू -1.2 -3.2 -5.2 and -7.2। A1 इज इक्वल टू -1.2, डी इज इक्वल टू -3.2 -1.2, that is equal to -3.2 + 1.2 = 2। Again -5.2 - -3.2, that is equal to -5.2 + 3.2 = -2। Again -7.2 - -5.2, that is equal to -7.2 + 5.2 = 2। Our common difference is -2 and first term is -1.2। Next term A5 is equal to A4 + D। A4 क्या given हमारे पास -7.2 + -2 is equal to क्या देगा -7.2 - 2 -9.2। A6 is equal to A5 + D, that is equal to -9.2 + -2 is equal to -9.2 - 2 is equal to 11.2/-, and A7 that is equal to A6 + D, that is equal to -11.2 + -2 is equal to -13.2, that is our 3 next from A5, A6 and A7. Next fourth part -10 - 6 - 2 A1 first term is equal to -10, D that is equal to -6 - 10, that is equal to -6 + 10 is equal to 4, and -2 + -6 that is equal to -2 + 6, that is equal to 4, and 2 - -2, that is equal to 2 + 2 is equal to 4. Our common difference is equal to 4 and first term is A1. Next term A5 is equal to A4 + D, that is equal to A4 - 2 + 4 is equal to 6. A6 that is equal to A5 + D, 6 + 4 that is equal to 10, and A7 that is equal to A6 + D, that is equal to 10 + 4 is equal to 40. Now another questions you will try on your basis. If you have any doubt, then write in comment box. Thank you. Have a nice day. I hope